Yes, ma'am. Hello, students. Yes, ma'am. Hello, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine. About you. And Bita, today we are going to discuss about the other parts of plant. In last class, we were discuss about the vegetative part and reproductive part of the plant. चलिए तो आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है? सीड डिस्पर्सल। मैम सीड डिस्पर्सल। यही पढ़ना है ना हमें? यस मैम। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि बहुत से प्लांट ऐसे उग जाते हैं कि उसके लिए हमें उसके लिए बीज स्टोर करना ही नहीं पड़ता, यानी कि बहुत से प्लांट ऐसे उग जाते हैं जहां पर हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग नहीं चाहते वहां पर बीज बोने। एंड मैंने आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था फॉरेस्ट, है ना? यस मैम। वो कौन से ऐसे काजेज हैं जिनकी वजह से जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? तो हमें इस टॉपिक में यही डिस्कस करना है। ओके बेटा। यस मैम। ओके मैम। चलिए तो आप सभी ये वाली एक्सरसाइज कर चुके हैं ना सभी बच्चे? यस 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 अभी फिलहाल बच्चों ने एक्सक्यूजेस दिए हैं, बट नेक्स्ट क्लास के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। जिस भी बच्चे का होमवर्क नहीं आएगा मैं पहले उसे क्लास से रिमूव कर दूंगी, उसके बाद ही बाकी बच्चे जो जिन्होंने होमवर्क सबमिट किया होगा केवल वही पढ़ेंगे। ओके Yes, ma'am. चलिए तो हमें इसमें पढ़ना है सीड डिस्पर्सल, यानी कि जो हमारा सीड है, जो हमारे बीज है, वो किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, किस तरीके से बिखरते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द पिक्चर। हैव यू एवर सीन डिंडेलियन सीड्स फ्लोटिंग इन एयर? तो बेटा आप सभी ने डिंडेलियन सीड्स देखी होगी, जो मतलब एक छोटी सी बीज रहती है और साइड साइड बाल जैसे लगे होते हैं, व्हाइट कलर के बाल से। एंड बहुत से बच्चे जो yes, yes, देखा है ना आपने? yes, yes, ये देखिए yes, ये दिख रहे हैं ना आपको ऊपर उड़ते हुए? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये डिंडेलियन सीड्स हैं। तो अब आपको पता है कि ये जो ये सीड्स हैं, ये जहां पर भी जाके गिरेंगे ना वहां पर न्यू प्लांट कन्वे करेगा, न्यू प्लांट उग जाएगा। तो अब ये बताइए क्या आप लोग जाते हैं इस वाले बीज को बोने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए? नहीं जाते ना? तो मैं नो मैम। ये जो डिंडेलियन सीड्स हैं ये कैसे उग जाते हैं, नया प्लांट कैसे उग जाता है डिंडेलियन का, कोई बताएगा इसका रीजन? यस सौरभ, नाउ यू टेल बेटा। यस अनुप्रिया। यस अनुप्रिया बेटा, नाउ यू टेल। Ma'am, because dandelion is very light in the base and when the air starts it start blowing on the air and it fell down from everywhere, so the dandelion plant will be grow. Very good. तो बेटा ये जो डिंडेलियन सीड हैं, दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड सो दे फ्लोट इन एयर एंड दे कैरीड बाय विंड इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए हमारी जो एयर है ये इसे एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके ले जाती है। एंड जहां पर भी जाके ये सेटल होते हैं वहां पर डिंडेलियन प्लांट उग जाता है। ओके चले तो अब हमें yes, आगे वाला टॉपिक पढ़ना है। एंड आप सभी को बेटा ध्यान से सुनना है कि ये जो क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको बहुत सारी नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें याद हो जाएंगी।
Some plants produce a large number of seeds. तो बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमें डंडेलियन का ही एग्जाम्पल दिया था. If all these seeds grow close to each other, the saplings will not get enough space, water, sunlight and nutrients from soil. तो बेटा आप लोग इमेजिन करिए कि इतने सारे सीड्स हैं, अगर ये सारे सीड्स एक ही जगह गिर जाएं यहीं पर, तो क्या होगा, यहीं पर न्यू प्लांट उग जाएगा एंड उसके बाद क्या होगा, फिर सारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. पता है क्यों? क्योंकि सारे प्लांट्स को इक्वल अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में ना तो स्पेस मिलेगा, ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी एंड ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. तो इसीलिए जिन प्लांट्स में बहुत सारे बीज होते हैं उन प्लांट्स के बीज बहुत ही लाइटवेट होते हैं, और इसलिए वो वाइन या वाटर किसी के भी थ्रू कैरी करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाए जाते हैं. ओके बेटा. यस मैम. एंड आपको एक बात और पता है, ये इसके जितने भी बीज हैं सारे ही न्यू प्लांट में ग्रो नहीं होते. इसके केवल कुछ ही बीज जो है वो प्लांट कन्वे करते हैं, बहुत सारे जो सीड्स हैं वो या तो पानी के साथ बहा दिए जाते हैं या फिर कोई एनिमल इन्हें खा लेते हैं किन्हीं चीजों के साथ. तो इनमें से केवल कुछ ही ग्रो कर पाते हैं. सम प्लांट्स, देखिए तो अभी हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो अगर सारे सीड्स ग्रो कर देंगे तो क्या होगा, जो इनके सैपलिंग्स है यानी कि जो न्यू बेबी प्लांट होगा वो, उसे ना तो इनफ स्पेस मिलेगा, ना ही वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी एंड ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. तो इसलिए जिनके भी पास, जिन भी प्लांट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं वो वाइंड एयर या वाटर के थ्रू कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं. एज अ रिजल्ट ओनली अ फ्यू ऑफ देम विल सर्वाइव. और इसका रिजल्ट क्या होता है, इनमें से केवल कुछ ही बीज सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत सारे बीज खराब हो जाते हैं, या तो उन्हें कोई एनिमल खा लेता है या फिर वो पानी के साथ बहा करके किसी बड़े से वाटर सोर्स में यानी कि पॉन्ड, रिवर एटसेट्रा में कैरी कर लिए जाते हैं, बह जाते हैं ये प्लांट. To avoid this, these seeds scatter to different places with the help of various agents of dispersal. Such scattering of seed is known as seed dispersal. तो इसे अवॉइड करने के लिए यानी कि एक जगह पर ये सारे बीज ना गिरे, इसलिए इन प्लांट्स में क्या क्वालिटी होती है, ये जो सीड्स हैं ये स्कैटर टू डिफरेंट प्लेसेस, ये अलग अलग प्लेसेस पर बिखर जाते हैं. कैसे बिखरते हैं? With the help of various agents of dispersal. तो इसको बिखराने के अलग अलग एजेंट हैं, अलग अलग कारक हैं इसे बिखराने के. कौन कौन है अब जो इन बीजों को बिखराता है? तो इनके बिखराव के प्रोसेस को यानी कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. तो इनके प्रोसेस को यानी कि ये जो बीज हैं ये वाइंड एंड वाटर या फिर किसी के भी थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लिए जाते हैं और बिखर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल. ओके, ये इतना सभी को समझ आया? यस मैम. फर्स्ट क्वेश्चन आप ये बताएंगे, एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल की मीनिंग क्या है, एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? यस, कौन बताएगा? शो मी योर हैंड. यस तनिष्का बेटा, नाउ यू टेल. यस तनिष्का. से दूसरी जगह स्कैटर करते हैं, व्हाट आर द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल? यस निहारिका मैम, एयर एंड वाटर एंड एनिमल्स भी तो हो सकते हैं ना? यस मैम, एयर वाटर एनिमल्स. चलिए तो अभी फिलहाल अब हमें क्या करना है,
इन डिफरेंट प्लांट्स यानी कि अलग अलग प्लांट्स में द डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कैरीड आउट बाय डिफरेंट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल. लेट अस लर्न अबाउट दिस इन डिटेल. तो अब बेटा क्या करना है, अलग अलग प्लांट में डिस्पर्सल सीड्स डिस्पर्सल के जो मेथड हैं वो अलग अलग हैं. यानी कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बीज मोस्टली एयर ही कैरी करके ले जाती है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड्स को वाटर ही कैरी करके ले जाता है, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स के डिस्पर्सल का मेथड अलग है. तो अभी फिलहाल नीचे हमें इन सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है. ओके तो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइंड, यानी कि सीड डिस्पर्सल एजेंट के रूप में वाइंड. अब वाइंड कौन कौन से प्लांट की सीड्स को डिस्पर्स करती है तो हमें ये पढ़ना है. ओके चलिए तो देखते हैं आगे. मैनी सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट. बहुत से सीड्स ऐसे हैं जो जिनका वेट बहुत ही लाइट होता है, यानी कि वो बहुत ही हल्के होते हैं. सम इवन हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर और विंग शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन देम. अब कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जिनके पास टफ्ट्स होते हैं, यानी कि ये देखिए ये इनके पास क्या होता है, बालों का झुरमुट सा होता है. टफ्ट्स ऑफ हेयर, बालों का झुरमुट सा होता है, और विंग शेप स्ट्रक्चर और पंख की तरह स्ट्रक्चर बना होता है इनका. तो सच सीड्स कैन फ्लॉट इन एयर एंड आर इजली कैरीड अवे बाय विंड. अब इनके ऊपर बालों का टफ्ट, बालों का गुच्छा सा लगा है, इसलिए ये जो सीड्स होते हैं दे कैन फ्लॉट इन एयर, ये हवा में तैरते हैं. इनके ऊपर बालों का गुच्छा होता है एंड बाल जो होते हैं बहुत ही हल्की होते हैं, बहुत ही ज्यादा. तो इसलिए ये बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है. बहुत ही हल्के होते हैं एंड ये इतने हल्के होते हैं कि इनके ऊपर, और ये हल्के क्यों है क्योंकि इनके ऊपर बालों का टफ्ट्स होता है, बालों का गुच्छा सा लगा होता है, एंड बालों के गुच्छे लगे होने की वजह से ये काफी हल्के होते हैं. एंड सो दे कैरीड बाय वाटर, दे फ्लोट इन वाटर एंड आल्सो कैरीड बाय वाटर, सॉरी आल्सो कैरीड बाय विंड इजली. तो ये बेटा हवा में तैरते रहते हैं, ये देखिए बालों का गुच्छा सा लगा है इनके ऊपर, या फिर ये देखिए ये पंख की तरह हैं और ये काफी हल्के होते हैं, इसलिए ये उड़ करके हवा में तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं. एंड फिर उसके बाद हवा जिस डायरेक्शन में जाती है वहीं पर इन्हें उड़ा ले जाती है. यानी कि अगर ये वाइंड इधर की तरफ है तो इन्हें इधर उड़ा ले जाएगी और इस एरिया में आकर के ये गिर जाएंगे और यहीं पर ग्रो करेंगे. एंड अगर वाइंड इस डायरेक्शन में होती है तो फिर सेम यहाँ पर भी वही होगा, ये बीज यहाँ पर गिर जाएंगे एंड यहाँ पर ग्रो करेंगे. ओके बेटा. यस मैम. तो अब ऐसा कौन कौन से प्लांट में होता है, यानी कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर हेयर ट्रफ पाया जाता है एंड जो वाइन के थ्रू कैरी कर दिए जाते हैं. तो कौन कौन से प्लांट हैं, कॉटन, डैंडेलियन, हिप्टेस एंड तो बेटा ये ऐसे प्लांट एग्जांपल हैं जो वाइंड के थ्रू कैरी किए जाते हैं और इन प्लांट्स का डिस्पर्सल एजेंट कौन है, वाइंड. ओके बेटा याद हो गया सभी को. यस मैम. चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वाटर के थ्रू. एंड इन दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछना है, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है. एंड ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिसके बारे में इन दोनों में ना दिया हो लेकिन वो लिंक करता हो इन दोनों टॉपिक से, तो इसलिए आप सभी को ध्यान से सुनना है. ओके बेटा. यस मैम. ऑल लिसन केयरफुली. तो अब हमें पढ़ना है वाटर कैरी एजेंट के रूप में, यानी कि वाटर कौन से प्लांट के सीड्स को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाता है. तो सीड्स ऑफ प्लांट that grow near or inside water are usually dispersed by water. तो ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पर होते हैं, near or inside water, यानी कि water source के नजदीक या फिर पानी के अंदर. तो ऐसे प्लांट water source के पास उगते हैं या फिर पानी के अंदर उगते हैं,
इन प्लांट्स के सीड्स को कौन कैरी करता है? वॉटर. सीड्स और फ्रूट ऑफ दिस प्लांट्स हैव स्पॉन्गी और फाइब्रस आउटर कवरिंग. और ये जो प्लांट्स हैं जो वाटर के थ्रू कैरी कर लिए जाते हैं, ये स्पंजी होते हैं एंड फाइब्रस यानी कि रेशेदार होते हैं, जैसे मतलब रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, जैसे कि आपके टिश्यू, आपके स्किन है, फ्लेक्सिबल है, उसी टाइप के ये सीड्स भी होते हैं, ये प्लांट भी होते हैं. और इनके इस टाइप के होने की वजह से ही विच हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर, इनकी इस क्वालिटी की वजह से ही ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं एंड गेट कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस. एंड पानी में तैरते तैरते ही जिस डायरेक्शन में पानी जाता है उसी डायरेक्शन में ये बीज भी चले जाते हैं पानी के साथ साथ. ओके बेटा. यस मैम. अब एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल अ कोकोनट फ्रूट. तो सबसे पहला है नारियल का फ्रूट. नारियल के बारे में आप सभी ने पढ़ा है एंड आप सभी को नारियल पसंद भी है खाना, बहुत से बच्चों को पसंद होगा. Yes, तो जो कोकोनट है ये कच्चा भी अच्छा लगता है एंड जो पका होता है वो भी अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छे लगते हैं बहुत से बच्चों को. कच्चे नारियल का पानी भी अच्छा लगता होगा ना, ग्रीन वाले नारियल का. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, वो जो कच्चे नारियल का पानी होता है ना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी में डिजीज को कम करता है, मतलब जो डिजीज को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना उन्हें मार देता है. तो वो पीना अगर किसी को पसंद है ना तो वो अच्छा भी बहुत है, उसे पीना चाहिए. तो अब हम ये पढ़ रहे थे कि वॉटर डिस्पर्सल एजेंट के रूप में काम करता है, कौन कौन से प्लांट के लिए काम करता है, कौन कौन से प्लांट्स के सीड को कैरी करता है. तो अभी हमने पढ़ा है कोकोनट फ्रूट. तो कोकोनट फ्रूट इज लाइट इन वेट एज इट हैज एयर ट्रैप्ड इन इट्स हक्स. ये जो फल है कोकोनट का बहुत ही हल्का होता है, ये चारों तरफ से हेयर से कवर होता है और इसलिए इसे वाटर के थ्रू कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. और इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट हैं? बिसाइड कोकोनट सीड्स ऑफ प्लांट लाइक वाटर लिली. तो वाटर लिली जो कि पानी में ही उगता है, इसके सीड्स भी वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर लिए जाते हैं. एंड इसके अलावा लोटस प्लांट भी पानी में ही उगता है और लोटस के सीड्स को भी वाटर ही एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाता है. तो बेटा आप सभी ने पढ़ा, आपको समझ आया? यस मैम. चलिए लोटस प्लांट आप सभी ने, आप में से किस कितने बच्चों ने देखा है लोटस प्लांट? देखा है आप में से किसी ने? तनिष्का ने देखा है? यस मैम. तनिष्का कहाँ पर देखा है आपने? बेटा माइक ऑफ है आपका, ऑन माइक. ओके तनिष्का. और किस और किसने देखा है लोटस प्लांट? और भी मैम हमने भी देखा है. मैम हमने भी देखा. ओके आपने कहाँ देखा है? मैम हमारे सामने मैम एक तालाब है ना, मैम उसी में है. ओके निहारिका. And where do you see the lotus plant? मैम हमने भी तालाब में देखा है. तालाब में देखा है. चलिए तो फिलहाल देखा तो मैंने भी है, लेकिन मैंने अपने आसपास नहीं देखा, मैं एक गार्डन में गई थी वहां पर देखा है, वहां पर छोटा सा पॉन्ड था. हमने गार्डन में भी देखा है. चलिए तो अभी हमने एयर एंड वाटर को एजेंट के रूप में पढ़ा है कि कौन से प्लांट के सीड्स को वाटर कैरी करके ले जाता है एंड कौन से प्लांट सीड्स को एयर कैरी करती है. चलिए तो आप पहले आप सभी बच्चों से एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद हम एक और मेथड पढ़ेंगे एनिमल्स के थ्रू, यानी कि एनिमल्स कैसे बीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. तो पहले आपसे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस आकांक्षा आपसे स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द सीड्स दैट कैरीड बाय वाइंड?
मैम मैंने हिट आर वेरी लाइट इन दिस मैम आई थिंक यस रुचि नाउ यू टेल मैम कॉटन मेटल हिप टेक्स एंड डेलीड्रोम डेंडेलियन डेंडेलियन मैम एल्कोहल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तनिष्का आपको बताना है बेटा यस मैम डिफाइन सीड डिस्पर्सल मैम डिफाइन सीड डिस्पर्सल यस तनिष्का मैम मैम टेल मैम 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 क्वेश्चन अगेन रिपीट कीजिए That is scattered to different places with the help of various agents of dispers. Mem is called Mem C dispers. Okay. Yes, Anupriya. Yes, Anupriya. Now you tell. What yes, are the main agent of seed dispersal? Mem. What are the main agent of seed dispersal? Ma'am, the main agent of this dispersal is ma'am seed dispersal. No, beta, aapke question ka answer nahi bataya dhyan se. Maine aapse pucha hai, what are the main agents of seed dispersal? Shanvika, now you tell. Ma'am, I tell. Ma'am. Yes, Shanvika. Ma'am, I tell. Yes, bataiye aap. Ma'am, the help of various agent to of dispel such as scattering of seed is known as seed dispersal. मैंने आपसे पूछा है व्हाट आर द मेन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल आप लोग पता नहीं कौन कौन सा आंसर कर रहे यस निहारिका मैम वाटर वाइंड एनिमल यस एजेंट कौन है वाटर एनिमल एंड वाइंड ये हैं एजेंट जो सीड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिव्या आपको बताना है बेटा यस दिव्या नाउ यू टेल What are the plants? What are the seeds of plant that carried by water? Yes, Divya. Mammal. Alsuba, you tell. मैडम कल सुबह की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है अनुप्रिया नाउ यू टेल बेटा यस मैम क्वेश्चन क्या है मैडम मैम अनुप्रिया बेटा आई एम आस्किंग टू यू व्हाट आर द सीड्स ऑफ प्लांट दैट कैरी बाय वाटर मैम कोकोनट लिली लोटस कोकोनट बेटा लिली नहीं वाटर लिली वाटर लिली चले तो अब यस बेटा अब आप सभी लोग यस कीप साइलेंट क्योंकि अब हम एक बार लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर लें फिलहाल नहीं तो ये हमारा छूट जाएगा आज तो एक बार ये कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जितने बच्चों से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं वो बच्चे रेडी रहेंगे क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए ओके ओके तो अब स्टार्ट करते हैं अब कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड्स एनिमल्स के थ्रू स्कैटर्ड किए जाते हैं
Some seeds have barbs, sticky hairs, spines, or hook-like structure on their surface. These help them to stick to the bodies of animals and claws of human beings and get carried away to other places. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास बाब होते हैं, यानी कि वो चिपचिपे से होते हैं, स्टिकी हेयर, उनके पास या तो चिपचिपे से बाल होते हैं या फिर स्पाइन कांटे होते हैं या फिर हुक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उनमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कभी ना कभी किसी के कपड़ों में या फिर कहीं फंस जाते हैं. दीज हेल्प देम टू स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. अब इनकी इतनी सारी क्वालिटीज है, इसी की वजह से कुछ भी जैसे हैं जो एनिमल की स्किन पे चिपक जाते हैं या फिर क्लॉथ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स के क्लॉथ पे भी चिपक जाते हैं एंड गेट कैरीड अवे टू अदर प्लेसेस, और इसी के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. तो बेटा आपने yes, भी किया होगा, कुछ भी जैसे हैं जब आप लोग किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पर बहुत सारे प्लांट ही प्लांट हो, तो आपके कपड़ों पर भी कुछ सीड्स चिपक जाते हैं, है ना? यस मैम, कांटे वाले. यस मैम, मैम कांटे वाले. यस मैम, हेयर में भी. यस मैम, यस मैम. वो उनमें ये स्ट्रक्चर इसीलिए होता है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, तो इसलिए उनको गॉड गिवन क्वालिटी है ऐसी कि वो कहीं ना कहीं चिपक जाए ताकि वो दूसरी जगह चले जाए. ओके यस मैम, यस मैम. तो ये एनिमल्स के थ्रू या ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. अब आगे देखिए, सम सीड्स डू नॉट हैव एनी सच स्पेशल स्ट्रक्चर. तो अब कुछ सीड्स ऐसे हैं जिन बेचारों के पास कोई क्वालिटी नहीं है, ना तो उनके पास हेयर्स है, ना उनके पास स्टिकी हेयर है, ना स्पाइन है, ना ही हुक लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? अब ये देखिए, तो ये सीड्स कैसे जाते हैं जिनके पास इस टाइप का कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वो भी एनिमल्स के थ्रू ही डिस्पर्स किए जाते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट सर्टेन फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, पपाया, चेरी एंड ग्वावा एंड थ्रो देयर सीड्स. तो बेटा हम सभी बहुत सारे फ्रूट्स को खाते हैं, खाते हैं ना? एंड क्या आप सभी फ्रूट्स को खाने के बाद एक ही जगह फेंकते हैं या अलग अलग जगह फेंक देते हैं सीड्स को? अलग अलग हैं, यानी कि आप भी एक एजेंट हो गए. आप जहां पर भी सीड्स को फेंकेंगे वहां पर न्यू प्लांट ग्रो करेगा, यानी कि इन बीजों के पास कोई भी क्वालिटी नहीं थी, कोई भी स्पेशल क्वालिटी नहीं थी, फिर भी इनका प्लांट ग्रो कर गया. और ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसके थ्रू ग्रो हुआ है, या तो एनिमल्स के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू या फिर ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू. द सीड्स ऑफ सम दीज फ्रूट्स आर ड्रॉप्ड टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू फेसेस. तो ये ऐसे सीड्स हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फेंक दिए जाते हैं अलग अलग कंडीशन में. दीज सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस. एंड जब इन सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उपयुक्त स्थितियां मिलती हैं इन्हें, यानी कि पानी भी मिल जाता है, नरिशमेंट भी मिल जाता है सॉइल के थ्रू एंड सनलाइट भी मिल जाती है, तब ये सीड्स ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? न्यू प्लांट में, न्यू बेबी प्लांट में. एंड आफ्टर सम टाइम्स दे कन्वर्ट इनटू अ बिग ट्री. और कुछ टाइम बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बहुत बड़े से पेड़ में. समझ आ गया आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी हम सब ने बहुत सारे एजेंट के बारे में पढ़ा है, यानी कि एजेंट के रूप में वाइंड, वाटर एंड लास्ट एजेंट इज एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग. बेटा अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो आज का आपका होमवर्क क्या है सभी ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले तो आप सभी को प्लांट की पिक भेजनी है जो आपने प्लांट लगाया है, ठीक है? यस मैम. एंड सभी बच्चों को होना चाहिए, जिसका भी नहीं आया यानी कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो सभी बच्चों yes, ma'am. सभी बच्चों को सेंड करनी है. एंड दूसरा होमवर्क क्या है बेटा आपके लिए, आप ये सुनेंगे सभी. एक ब्रेड वाला ये था ये आपको दिया है,
आपको ब्रेड माउल तैयार करना है एंड संडे से लेके मंडे तक में आप ये वाला भी होमवर्क सबमिट करेंगे। यानी कि आपको ब्रेड रखनी है, उसको थोड़ा सा गीला करना है एंड पॉलिथिन में रैप कर देना है, ठीक है। एंड आपको इसके इसके ऊपर माउल्ड या फन दिखाने हैं कैसे होते हैं वो, ठीक है बेटा। यस इस दिन सबमिट करना है बेटा। ये आपका फिलहाल सबमिट करना है, ये आपकी जो नेक्स्ट क्लास है मंडे को, तो मंडे को आप सभी को ये वाला होमवर्क भेजना है क्लास होने के पहले। ओके बेटा, चलिए। तो आपके दो होमवर्क हो चुके हैं। मैम जो मैम मॉस के पास मैम ग्रीन कलर का मैम वो भी भेज सकते हैं। यस मैम जो उसी की फोटो भेजनी है, यानी कि आपको दिखाना है कि फर्न कैसे होते हैं एंड ये कैसे ग्रो करते हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। ओके बेटा। यस मैम, हमारे होम पे है मैम मैम पनिका मैम मैम दोबारा हम बोल दीजिए मैम, आपकी वॉइस तो अपन नहीं है। आपने सुना नहीं अनुप्रिया, क्या करना है बेटा, आपको ब्रेड लेनी है, ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट करना है, गीला करना है एंड उसे पॉलिथिन में रैप कर देना है। एंड कुछ टाइम बाद जो अभी आपको बताया था ना यहाँ पर इस एक्टिविटी में कि उसमें यीस्ट होने लगते हैं, माउल्ड डेवलप हो जाते हैं, ये आपको जब ये इसके ऊपर आ जाए उसकी पिक लेके सेंड करनी है अपने होमवर्क में। ओके मैम आप आज ही रख देंगे तो आपका जब ये तैयार हो जाए आप होमवर्क भेज सकते हैं। फिलहाल लास्ट टाइम आपका मंडे का है। यस मैम। एंड फिलहाल मैम आज का होमवर्क मैम वो अब एक और होमवर्क सुनिए। अब आपने जो टॉपिक पढ़ा है आप इसका आंसर भी तो देंगे ना, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आज सभी को। यस मैम। ओके, आप जितना आपसे पूछा गया है नेम एनी थ्री एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड आप सभी थ्री सीड डिस्पर्सल एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इनके बारे में बताना है कि वाटर के थ्रू कौन से प्लांट के सीड डिस्पर्स होते हैं, एयर के थ्रू कौन से प्लांट के सीड डिस्पर्स होते हैं, तो आपको बताना है, ये एग्जांपल देना है, ठीक है बेटा। कर लेंगे सभी। यस बेटा, आपको ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। जितना हमने पढ़ा है आज, जितना आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है। डेफिनेशन नहीं राइट करनी है बेटा, आपको सीड डिस्पर्सल के बारे में बताना है। आपसे ओनली एजेंट पूछे हैं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी है यहाँ पर, तो आप एजेंट नहीं आपको तीन एजेंट के बारे में बताना है एंड एग्जांपल भी देना है कि कौन से प्लांट के सीड्स को कौन कैरी करता है। ओके बेटा। यस मैम। एंड बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये दो चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी। ओके बेटा। मैम सेकंड नहीं करना है। नो सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन करना है। ओके बेटा, फिलहाल टाइम एंड होने वाला है तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम कल सुबह सकते हैं, ये आपको जो एक क्वेश्चन का आंसर देना है ये आपको आज ही सबमिट करना है। ओके यस मैम। बाकी का होमवर्क आप कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर है ये आज ही करना है सभी को। मैम प्लांट भी आज ही भेजना है, फ्लावर का बेटा। yes, वो आप कल भी भेज सकते हैं, लेकिन ये जो अभी होमवर्क दिया है आज वाला रिटर्न होमवर्क वो आज ही करना है। ओके फिलहाल नेक्स्ट क्लास होने के पहले आपका सारा होमवर्क आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। ओके बेटा। ओके बेटा, फिर टाइम ओवर होने वाला है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड बाय एवरीवन।